नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी धमकी पर उतर आए हैं, वो भी गारंटी वाली। विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग के एक्शन से राहुल गांधी परेशान हैं। अब इन्होंने इन समस्याओं को धमकी दे डाली है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए नोटिस से बेहद परेशान है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी के 1826 करोड़ की वसूली का नोटिस भेजा है। इसके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता गुस्से में है तो राहुल गांधी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर जरूर कार्यवाही होगी, ये मेरी गारंटी है। ऐसी कार्यवाही होगी कि दोबारा फिर से किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये वो सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर संस्थाएं ठीक ढंग से अपना काम करती, अगर सीबीआई और ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता जो आज हो रहा है। चुन चुन कर विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इन सबको ये भी सोचना चाहिए कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर ऐसी कार्यवाही होगी कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि फिर से ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी की धमकी ऐसे वक्त पर आई है जब विपक्ष के कई नेता ईडी और सीबीआई के निशाने पर हैं। ईडी और सीबीआई के एक्शन के चलते दो मुख्यमंत्री महीने भर के अंदर जेल जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं। राहुल गांधी इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। और ये जो बार बार विपक्ष पार्टियों के खिलाफ बिना मतलब के राजनीतिक साजिश रचाई जा रही है, ये बंद करने का संदेश आ जाएगा कल के रैली से हमारे पार्टी के ओर से। ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं की निष्पक्षता पर यूपीए सरकार के दौरान भी सवाल उठते रहे हैं। सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार का तोता तक कह चुका है। अब राहुल गांधी और उनकी पार्टी 10 सालों से सत्ता में नहीं है तो सरकारी संस्थाओं को राहुल गांधी खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने के अलावा केंद्र की मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव के वक्त मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर तंज किया है। अभी 3 दिन पहले मनरेगा के तहत मजदूरी में प्रतिदिन 4 से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मनरेगा श्रमिकों को बधाई हो कि प्रधानमंत्री ने मजदूरी 7 रुपए बढ़ा दी है। राहुल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 5 साल तक मजदूरों की सुध नहीं लेते हैं और चुनाव के वक्त उन्हें मनरेगा और मजदूर याद आ जाते हैं। कांग्रेस इस चुनाव में रोजगार और अमीरी गरीबी को मुद्दा बना रही है। राहुल गांधी रोजगार के मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। उनकी पार्टी युवाओं पर फोकस कर रही है। राहुल की संवैधानिक संस्थाओं को धमकी और मोदी सरकार पर हमलों का कितना असर होता है इसका चुनाव में पता चल जाएगा। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।